हेलो, ये हम लेके आए हैं MCS 208 का क्वेश्चन एनालिसिस। ये PGDCA और MCA फर्स्ट सेमेस्टर, यानी PGDCA सेकेंड सेमेस्टर और MCA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कॉमन है। और ये जो है, इसमें हम अभी इसका फर्स्ट एग्ज़ाम जो हुआ है वो दिसंबर 2021 में, और अभी जो है वो कौन सा, दिसंबर 2024 है। तो दिसंबर 2021 से लेकर जून 2024 तक, यानी इसका टोटल 6 एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, 6 एग्ज़ाम हो चुका है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन जिनको ज़रूरत होगा सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि जो पढ़े होंगे उनके लिए बेटर है, जो पढ़े हो उसी से क्वेश्चन में थोड़ा एनालाइज करके बता रहा हूँ, आपको गाइडलाइन मिल जाएगा। क्योंकि इसमें जो है ना, क्वेश्चन में रिपीटेशन कम है, अल्टरनेशन ज़्यादा है। जैसे देखो, यहाँ DFS पूछा है तो यहाँ BFS पूछा है। ठीक है, इधर साइड देखोगे तो क्या पूछा है, यहाँ देखो तो यहाँ ये पूछा है तो यहाँ ये पूछा है। ठीक है, यहाँ पर एडिशन पूछा है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पूछा है, यहाँ एडिशन है यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर बाइनरी सर्च है यहाँ लीनियर सर्च है। तो क्वेश्चन जो है इसमें, आप क्वेश्चन सब आपको एक जगह मिल रहा है, इससे क्या होगा कि आपको तैयारी करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन के लिए कहीं इधर उधर देखना है नहीं। तो जो भी फोकस करना है वो तैयारी पर करना है। क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा कर रहा है, रिपीट का मतलब अल्टरनेट में रिपीट, ऐसा नहीं कि जो जून वाला डायरेक्ट आ रहा है, जो आएगा वो एक सा एक मतलब एक एग्ज़ाम पहले वाला क्वेश्चन, तो उस टाइप से है। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल में जैसे ये हुआ, आपको सॉर्टिंग का सब प्रैक्टिस अच्छा से करना चाहिए, जैसे ये सॉर्टिंग का। उसके बाद एक जो है पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स जो है, ये रिपीट में ही देखो हर बार पूछ रहा है, वन का डी, वन का डी, वन का डी, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स, ये प्रैक्टिस अच्छा से कर लो। इसका जो है मतलब प्रैक्टिस अच्छा से कर लोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि इसको, इस पेपर में थोड़ा सा पढ़ने वाला है अच्छा से। अगर आप अच्छा से नहीं पढ़े हो तो एक बार अभी टाइम है इतना, क्योंकि क्वेश्चन जब हम जैसे इसमें टोटल कितना हो गया, 5 और इंटू 6 मतलब 6 एग्ज़ाम हुआ और एक पेपर में 5 पेपर है, सॉरी 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन और गुना 6 तो 30, और 30 में से जब आप छांटोगे, जैसे स्टैक है, अब स्टैक देखो कितना बार रिपीट में ही रिपीट में स्टैक 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 पूछा है, तो इसको देखो येलो किया हुआ है। उसी तरह से बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यहाँ भी है एल्गोरिथम में, यहाँ भी देखो मल्टीप्लिकेशन वाला है, यहाँ भी दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो रिपीट ज़्यादा है। तो रिपीट वाला क्वेश्चन अगर आप सही से देख लोगे तो आपको खींच खाँच के 15 क्वेश्चन तैयार करना है। 15 क्वेश्चन तैयार करोगे आप, 100 का 100 करके आओगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बस इतना ही हमारा सुझाव है, इसको अच्छा से देखिए और क्वेश्चन को अच्छा से एनालाइज कीजिए। क्वेश्चन तो शॉर्ट हम कर ही दिए हैं, तो क्वेश्चन आपको एक जगह शॉर्टेड क्वेश्चन मिल जाएगा, इससे आपको एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत अच्छा अनुभव होगा। आपको क्वेश्चन को और थोड़ा सा न्यूमेरिकल को एक दो बार प्रैक्टिस, जैसे मान लो कि ये पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स है, सॉर्टिंग सर्चिंग है, ये सब करने का है, इसको हम सीख के नहीं। जैसे मान लो ट्री ही दे दिया, तो ट्री जिसको आएगा वही नहीं कर पाएगा। अब एल्गोरिथम है तो उसको थोड़ा सा आप देख के, एक नज़र दो नज़र देखोगे, थोड़ा हाथ से लिख लोगे तो आपको आ जाएगा। तो इस तरह से आप मतलब इस पेपर में कम मेहनत में आपका जो है वो बैक का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। मेहनत कम करना है और प्रॉपर इस चैनल में मेहनत करो, आपका 100% ये पेपर निकल जाएगा। और हाँ, अगर किन्हीं को PDF में सोल्यूशन चाहिए होगा तो वो पेड है, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से मेरे को व्हाट्सअप करो, आपको मैं ये 6 का 6 सॉल्व पेपर मिल जाएगा। धन्यवाद।